DDA line drawing algorithm, line draw करने के line कुछ भी हो सकती है, ऐसी भी line हो सकती है, इसको draw करने के कुछ algorithms होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। algorithm क्या है, किसी चीज को करने का तरीका, algorithm की definition आप सबको पता है, ठीक है। अब इसी algorithm को आप implement कर सकते हो, जैसे algorithm तो हम सीख लेंगे अभी, लेकिन इस algorithm को आप implement कर सकते हो, जैसे computer में अगर आपको implement करना है तो आप C++ का use करोगे, ठीक है, और भी किसी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, पर C++ का ही यूज जनरली कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसे सीख रहे हो आप। तो C++ का यूज करके आप इसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हो तो जो आउटपुट आती है आपको लाइन मिल जाती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, वो अगर किसी को जानना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि यार इसी एल्गोरिथम को एक बार इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दो, कि हमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करके भी हम आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम एल्गोरिथम बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में एल्गोरिथम पे ही आता है। जैसे एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता कि इसको एल्गोरिथम को आप लगा के भी दिखाओ कि आउटपुट बिल्कुल आ जानी चाहिए, कोड हमें बिल्कुल कोड करके दिखाओ सी में या C++ में कि आउटपुट आ जाए, ठीक है। सिर्फ एल्गोरिथम आता है और उसी पर न्यूमेरिकल आ जाता है। अब बेसिकली डीडीए में हम करते क्या है, एक तो इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, तो कहीं आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, इसका मतलब डीडीए ही है। और एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो 12th में मैथ्स में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फॉर्मूला है, बेसिक m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। y2 - y1 को बोल दिया डेल वाई, x2 - x1 बोल दिया डेल एक्स, और लाइन हमारी ये है, मतलब x2 y2 हमारा पॉइंट है एक, जैसे बी पॉइंट है और ए पॉइंट है x1 y1, तो स्लोप अगर निकाल लो मतलब y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आपका आ जाता है लाइन का स्लोप, ठीक है। अब डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर में बेसिकली हम करते क्या, हम इस पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर इस पॉइंट से अगला पॉइंट निकाल लेते हैं, इससे और अगला निकाल लेते हैं, और अगला और अगला और अगला, ऐसे हमारी लाइन आती चली जाती है, 3-4 पॉइंट्स 5 जितने भी हमें निकालने हो, ठीक है। ऐसे बेसिकली इस पॉइंट को यूज करके अगला निकाल लेते हैं, इसको यूज करके अगला अगला अगला, ऐसे हम निकालते चले जाते हैं। तो अब तीन बेसिकली केसेस हो सकते हैं, जैसे या तो लाइन का स्लोप आपका लेस देन वन हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन वन हो सकता है, ठीक है, और कोई लाइन हो सकती है, या फिर इज इक्वल टू वन हो सकता है, बिल्कुल ही मतलब 45 डिग्री पे अगर कोई लाइन इस तरीके से, अगर 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री से कम है तो एम लेस देन वन, और बड़ी है तो एम ग्रेटर देन वन आपका, ठीक है। तो यही तीन केसेस हो सकते हैं लाइन के स्लोप के, ठीक है ना। तीनों ही केसेस में लाइन कैसे ड्रॉ करनी है उस डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर में, तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है इन तीनों के अलावा। और काफी इजी एल्गोरिथम्स में से है, सबसे आसान एल्गोरिथम है लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है। अगर एम लेस देन वन है, ठीक है, अगर एम क्या है, वन से छोटा है, मतलब 45 डिग्री से नीचे आपकी कोई लाइन है, सबसे पहले तो आपको स्लोप निकाल लेना ताकि आपको पता चल जाए एम लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है कि इक्वल टू वन है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में स्लोप निकाल लिया आपको पता चल जाएगी कि तीनों में से कौन सा लगाना है। अब जैसे आपको सपोज ये आया एम लेस देन वन आया, आपका स्लोप वन से कम आया, तो आपको क्या करना है, डेल एक्स इज इक्वल टू वन, डेल एक्स इज इक्वल टू वन मतलब x2 - x1 आपका वन के इक्वल है, मतलब इस पॉइंट का जो x1 था उसमें वन ऐड कर देना है तो आपके पास x2 आ जाएगा, मतलब अगले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट के वन ऐड कर जो कर देंगे वही अगले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। डेल एक्स इज इक्वल टू वन मतलब xk+1 = xk+1। जैसे आपको x3 के लिए निकालना है तो x3 = x2+1, मतलब थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट में प्लस वन कर दिया हमने। x2 निकालना है, जैसे यहाँ पे x2 निकालना है तो x2 होगा x1+1, x1 में 1 ऐड कर देंगे m लेस देन 1 वाले केस के लिए, तो डेल एक्स का मतलब ये है। तो ये दो इक्वेशन आपको बस याद रखनी है m लेस देन 1 वाले केस के लिए, कि x में क्या होगा, पिछले x में 1 ऐड कर दो वो नया x कोऑर्डिनेट होगा, और नया y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पिछले y में m ऐड कर दो, m मतलब स्लोप ऐड कर दो, जो भी आपका स्लोप था वो पिछले y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो, तो आपके नए x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसी से आप और आगे के पॉइंट भी निकाल सकते हो, अगले 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 जितने भी पॉइंट्स आप निकालते रहो, ठीक है। अब अगर m ग्रेटर देन 1 हो, m ग्रेटर देन 1 हो तो आपका यहाँ पे डेल x इज इक्वल टू 1 था ना, यहाँ पे डेल y 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब y को आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पे x को कर रहे थे यहाँ पे y को कर देंगे 1 से इंक्रीमेंट, बस यही फर्क है। और xk+1 मतलब x को भी तो करना है, यहाँ पे y को किया था, x को किया 1 से और y को किया m से, यहाँ पे y को 1 से करेंगे और x को करेंगे 1/m से, ग्रेटर देन 1 के लिए y को 1 से और x को 1/m से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप ग्रेटर देन 1 के लिए। और अगर इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, इक्वल टू 1 पे क्या होगा, दोनों ही डेल एक्स भी 1 होगा, डेल वाई भी 1 होगा, मतलब एक्स को भी 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, वाई को भी 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। बस यही आपकी तीन कंडीशंस हैं, तीनों आप याद कर लो, बहुत ही ईजी है याद करने में, अभी आपको हो ही गई होंगी। तो सबसे पहले जैसे ही लाइन दिखे लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल के पता लगा लो कौन सा केस है, कौन सा केस है, उसी हिसाब से अगला पॉइंट निकालते चले जाओ तो आपकी लाइन आ जाएगी। कितना आसान एल्गोरिथम है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
ये हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन 1.1 एंड 4.3 यूजिंग डीडी. ठीक है, दो पॉइंट दिए होते हैं, दो पॉइंट ही चाहिए हमें लाइन के लिए. किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच हम लाइन बना सकते हैं, और तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है. तो ये दो पॉइंट आपको गिवन होंगे एग्जाम में इस तरीके से. सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है. स्लोप आपका आएगा y2 - y1 2 और 3, तो ये आएगा 0.66 आपका स्लोप आ गया. ठीक है, y2 - y1 upon x2 - x1. अभी आपका कौन सा केस है, m less than 1 का केस है. m less than 1 में क्या होता था, xk plus 1 आपका हो जाता था xk plus 1 और yk plus 1 आपका हो जाता था yk plus m. ये तो अभी हमने पहले देखा ही था. तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है. उसके बाद टेबल बना लेनी है, xy xk plus 1 और yk plus 1. ये xk yk ले लो इसको. इस तरीके से चार कॉलम हमको बना लेने हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आप लोग देखो एक्स के और वाई के सबसे पहले तो हमारे वन है. ठीक है, वन है ना. अब वन और वन से आपको एक्स के प्लस वन निकालना है सबसे पहले. तो वन प्लस वन हो जाएगा क्योंकि एक्स के वन था, ये हो जाएगा टू. और वाई के आपका हो जाएगा वन प्लस एम, और एम है आपका 0.66. तो वन प्लस 0.66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.66. लेकिन इसको हम टू मानेंगे, राउंड ऑफ करके टू मानेंगे. 1.4 को राउंड ऑफ करोगे 1 होगा, 1.6 को करोगे राउंड ऑफ 2 होगा. ठीक है ना, तो ये आपको राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा. यही हमारा DDA एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता कौन सा पिक्सल ले, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं. तो आगे जो आप एल्गोरिथम पढ़ोगे ब्रेसनहैम्स एल्गोरिथम, वो थोड़ा इंप्रूव्ड है, वो इस डिसएडवांटेज को हटा देता है. लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज ही रहेगा. तो हम राउंड ऑफ करके काम अभी चला लेंगे DDA में. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2. ये एक्स के प्लस 1 से डायरेक्ट उठा ली, और ये वाली वैल्यू आप उठाओगे 1.66 वाई के लिए. ये नहीं उठाओगे राउंड ऑफ वैल्यू, नहीं उठाओगे जो वैल्यू राउंड ऑफ के बिना थी वो भी उठाओगे लोगे आप ये नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब फाइनल जो हमारे पॉइंट है वो नेक्स्ट है. लेकिन जब आप इस पॉइंट को यहाँ कॉपी करोगे तो इसकी बिना राउंड ऑफ वाली वैल्यू उठाओगे, ये आपको याद रखना. ठीक है, अब 2 के अंदर फिर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 1.66 में m ऐड करेंगे, 1.66 में m ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.3 लगभग, है ना. तो अब इसको आप जब राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये आपका 2 ही रहेगा. ठीक है, ये आपका 2 ही रहेगा. अब एक्स के और वाई के हमारे, ये एक्स के हमारा 3 हो गया यहाँ से, और वाई के हमारा बिना राउंड ऑफ वाला हमें लेना है 2.3, हम इसको ले लेंगे. अब एक्स के प्लस 1 जब निकालेंगे तो 3 में 1 ऐड होगा, क्योंकि 3 प्लस 1 तो 4 हो गया, है ना. और वाई के प्लस एम भी होगा, और वाई के मैंने आपको बताया था, वाई के जब आपको यहाँ से यहाँ कॉपी करना है तो आपको बिना राउंड ऑफ वाला कॉपी करना है. तो 2.3 हमने कॉपी कर लिया. अब इसमें वाई के प्लस 1 निकालेंगे, मतलब 2.3 में m ऐड करेंगे, मतलब 2.3 में 0.66 ऐड करेंगे. तो लगभग आपका ये 2.9 आएगा, या फिर 3 ही आ जाएगा. राउंड ऑफ करके 3 हमने लिख लिया. तो आपने देखा 4.3 तक हम पहुंच गए हैं, और आगे करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपकी लाइन हो गई. अब ये जो जो पॉइंट्स हैं 2.2, 3.2, 3.2 और लास्ट पॉइंट 4.3, और इनिशियल पॉइंट तो था ही 1.1. ठीक है, ये चार पॉइंट्स आ गए. इन्हीं पॉइंट्स पे जाके कंपाइल, ये जो हमारा मतलब कंप्यूटर है वो लाइन बना लेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली एल्गोरिथम था पॉइंट्स निकालने के लिए लाइन के, ताकि हम लाइन इस तरीके से बना पाएं, ड्रॉ कर पाएं, कंप्यूटर को पता चल जाए अगला पिक्सल कौन सा लेना है. और आप देख रहे हो कोई भी डेसिमल में नहीं आ रहा फाइनल आंसर्स में. ठीक है ना, इस तरीके से है. लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि असल आंसर तो डेसिमल में था, उसको हमने राउंड ऑफ करके लिया, तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन नहीं बन पाएगी इसमें, कोई डेसिमल की जगह हमने राउंड ऑफ ले लिया. लेकिन ठीक है, काफी हद तक चल जाता है. इसका इंप्रूव वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. अगर आपको एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है तो बस आपको इसी तरीके से करके आना है. थोड़ा प्रेजेंटेशन बस सही कर लेना आप, मतलब ये लाइनें वगैरह पेंसिल से बना लेना, और टेबल इसी तरीके से बना के आनी है. सबसे पहले स्लोप चेक करना है, ये फॉर्मूले आप लिखाना. ठीक है, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा. और आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर प्लेलिस्ट में चलते जाना है, जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट होता जाए. और वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर आप लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए. थैंक यू.